वेलकम गाइज, जेकलोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेकलोन जॉब चैनल को और पाते रहिए बी एस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सो गाइज, आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपका फॉर्म कब भरेंगे, काउंसलिंग कब होगी, मेरिट लिस्ट इसकी कब आती है, कितना कट ऑफ जाता है, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। क्योंकि आपको पता है कि हमारा साइंस एम के चैनल आपको टाइम टू टाइम पर इसकी जानकारी देता रहता है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और ये हमारा पार्ट सेकंड है रसायन विज्ञान का। पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ठीक है। उसमें हमने 1 से 50 तक डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारा पार्ट सेकंड है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस अक्रिय गैस के नाम से भी जानी जाती है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज ऑल्सो नोन एज इनर्ट गैस, यानी कि कौन सी गैस अक्रिय गैस के नाम से भी जानी जाती है, क्लोरीन, फ्लोरीन, O2, ऑक्सी। लगा दिया होगा आपने टिक। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सी, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट स्टूडेंट सिंपल कोई गलत करके आते हैं, तो ये गलती आप मत करना। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी कैसे क्रिया की अभिक्रिया कोटि होती है। रिएक्शन ऑर्डर ऑफ ए रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन इज 2, 4, 1, 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी कैसे क्रिया की अभिक्रिया कोटि होती है, कितनी होती है गाइज। आई होप आपने लगा दिया होगा टिक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, ठीक है। तो कितनी होती है, 1 होती है। अब 1 किस में दिया हुआ है, आपके ऑप्शन 3 में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। और बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जिसने फाइट कर लिया, समझो उसको तो कॉलेज मिल गया, और कॉलेज मिल गया समझो गवर्नमेंट, तो उसके लाइफ सेटल है। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में अच्छे खासे आपके प्लेसमेंट होते हैं, स्कोप अच्छा होता है ना, डिमांड अच्छी होती है, वैल्यू अच्छी होती है, आपके लिए ऑफर ज़्यादा होते हैं, सुविधाएं फैसिलिटी ज़्यादा होती है, तो आपकी लाइफ कुछ और ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट, और हम तैयारी करवाए रहे ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगला क्वेश्चन, डाइक्लोरो विस कॉपर सेकंड का सूत्र है। फॉर्मूला ऑफ डाइक्लोरो विस यूरिया कॉपर सेकंड। ऑप्शन आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपके मोबाइल स्क्रीन पे। सो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिस जिसका ये वाला सही था, कॉपर जो 0 = CnH2, ठीक है। तो जिसका ये वाला सही था ऑप्शन, आपका ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट वाला, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मिलते रहेंगे आपको, क्वेश्चन की कोई फिक्र नहीं करनी, क्वेश्चन बनाना हमारा काम है, आपको तो बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है और कुछ नहीं करना। समझो आपका एडमिशन हो गया जेकलोन जॉब चैनल पे। हाइड्रोजन बम्प निम्न में से किसका उदाहरण है। हाइड्रोजन बम इज एग्जांपल नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रासायनिक अभिक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, हाई लेवल के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये हाइड्रोजन बम निम्न में से किसका उदाहरण है, और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपके जो सूर्य से आपको प्रकाश मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है, नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय विखंडन से, सब कुछ हमने आपको स्टडी करवा रखा है। अब आप बोलेंगे सर कहाँ पे करवा रखा है, तो सिंपल सी बात है, हमारा जो जेके MCQs MK चैनल, वहाँ पर आपको पता है, वहाँ पर भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको रोजाना प्रोवाइड करवाते हैं, रोजाना। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है GK MCQs MK चैनल का। सो अब तो आप बता देंगे इसका राइट ऑप्शन, नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो हाइड्रोजन बम निम्न में से किसका उदाहरण है, आपका नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है गाइज, निम्न में से सबसे छोटा धनायन है, विच इज द स्मॉलेस्ट,
कैनाइन अमॉन्ग द फ्लोविंग, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये चार ऑप्शन आपके सामने है। आपको वन ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सीख लो, एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले यहाँ सीख जाओगे तो बेस्ट रहोगे, ताकि जो भी गलतियाँ करनी है आप यहाँ करो, वहाँ नहीं करो। वहाँ तो आपको एक्यूट आंसर देना है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, और गाइज फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया करो, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ताकि वहाँ पर आपको कोई भी पीडीएफ का लिंक मिल जाए, कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो तुरंत मिल जाए। इसलिए फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो तो फॉलो कर लिया है ना। यदि विलेन का कौतनांक T1 तथा विलाय का कौतनांक T2 हो तो कौतनांक में उन्नयन होगा। इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज T1 एंड सॉल्वेंट इज T2 देन द इवाशन इज बॉइल पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। T1 प्लस T2, T1 माइनस T2, T2 माइनस T1, T2 प्लस T1। सो आपने टिक लगा दिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा T1 माइनस T2, राइट। नेक्स्ट, PH3 एवं 5 के दो बम्पर विलेनों का समान आयतन मिलाने पर परिणामी विलेन की pH होगी। ऑन मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ द टू बम्पर सॉल्यूशन ऑफ pH वॉल्यूम 3 एंड 5, द pH ऑफ द रिजल्टेड सॉल्यूशन विल बी 4.7, 4.0, 3.3, 5.3। बताइए परिणामी विलेन की pH होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करो, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, आपका अपना चैनल है, लाइक करोगे तभी तो आगे ग्रो होगा ना। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन 3.3 होगा, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन यहाँ पर दी हुई है तो आपको बताना है जी, इसमें यह समीकरण कहलाती है नसेट समीकरण, गिब्स समीकरण, गिब्स हैमिल्टन समीकरण, वैन डर वाल्स समीकरण, कौन सी कहलाती है गाइस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और गाइस कोरोना वायरस से क्वेश्चन बनेगा, देखना COVID-19 से, उसके लिए हमने बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए बना रखा है, और वो अपलोड भी हो चुका है हमारे GK MCQ MK चैनल पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख लेना उस वीडियो को ये कंप्लीट होने के बाद। दो दो चैनल पे हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं, ताकि आपको दुगुना पोर्शन मिल सके, ठीक है। तो ये GK MCQ MK चैनल आपके लिए बना रखा है, वहाँ पर हमने कोरोना वायरस का वीडियो अपलोड कर दिया है, जाके देख लेना, क्वेश्चन बनेगा 100% कोरोना वायरस से। GK MCQ MK चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, बहुत अच्छा वीडियो देखना, आपको खुद दिल से आवाज़ आएगी लाइक करने की, ठीक है। सो इसका तो आपने कर ही दिया होगा टिक, राइट ऑप्शन चाहिए इसका नसेट समीकरण कहलाती है। नेक्स्ट, पॉलीमर से क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा चैप्टर है पॉलीमर वाला। नायलॉन 6-6 एक लक है, द मोनोमर ऑफ नायलॉन 6-6, सभी चीज़ों के आपकी एक लक इकाइयाँ मोनोमर आपको पता होनी चाहिए, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है पॉलीमर वाला, तो बहुलक वाला। तो यहाँ पर नायलॉन 6-6 मोनोमर है, स्टायरीन, आइसोप्रीन, इसके बाद आपका दिया हुआ है यहाँ पर 1-6 डायमीन हेक्स हेक्सेन तथा 1-6 हेक्सेन डाइकम्ब्ल। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ, 1-6 डायमीन हेक्सेन तथा 1-6 हेक्सेन डाइकम्ब्ल,
नेक्स्ट रासायनिक विन्यास है द कॉन्फिगरेशन इच लिवो समावेव, डेक्स्टो समावेव, ट्रांस समावेव या फिर सिस समावेव। ये जो डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला बहुत अच्छा है, बताना है आपको जो भी है यहाँ पर। कौन सा है बताइए, रासायनिक विन्यास क्या है इसका, कॉन्फिगरेशन क्वेश्चन आता है, संरचना से भी आता है, आपसे संरचना पूछ ली जाती है बहुत सी बार किसी भी यौगिक की, तो उसके लिए भी वीडियो अपलोड है ऑलरेडी जीके एमसीक्यू एम के चैनल पे वो भी, ठीक है। यानी कि हमारा जो जीके एमसीक्यू एम के चैनल है वहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोडेड है, जिसने इसको भी सब्सक्राइब कर रखा वो फायदे में, और जिन्होंने नहीं कर रखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके कर लेना। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रांस समावेव, ठीक है, ट्रांस आइसोमर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोटीन का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन इज कैपेलिन, लिसेथिन, इंसुलिन, इनमें से कोई नहीं। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहले तो आपको टिक लगाना है ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना आ जाए, टिक लगाना आ जाए, बस हमारा तो यही मकसद है आपको सही टिक लगाना आ जाए। अब आप गलती टिक लगाओगे भी यहाँ अपने मन में अपने माइंड में, तो आपको ईमानदारी से अपने आप पर ये होगा कि हाँ कि गलत गया अपना, तो कितना ही गलत गया, यहाँ पर 15 क्वेश्चन हमसे पूछे तो कितना गलत गया। तो जो स्टूडेंट समझदार है वो तो इसी वीडियो को, जितने भी वीडियो उसको दो दो तीन तीन बार देखेगा फिर तो, कि अपन कमज़ोर है यहाँ पे। और जिनके ऑलमोस्ट 15 में से 12 इतने से लगभग सही जा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, दो तीन गलती जा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बट इसके चार गलती जा रहे उसमें दिक्कत हो जाती है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा प्रोटीन का एक, और मैं तो कहता हूँ कि पूरे में से पूरे सही जाना चाहिए 15 में से 15, एक दो गलत जा रहा है तो क्यों जा रहा है, कहाँ कमी है, अपनी कमियाँ ढूंढो फिर। तो अगर आप पूरे में से पूरे का टारगेट लेके चलोगे ना तभी जाके आपके वहाँ 75% बन पाएगी। अगर आप 75 का टारगेट लेके चल रहे हो ना, 75 का कि हम 75 तक तो कर ही आएंगे, तो आपके 15 बनेंगे फिर तो, ये तो हमारा अभ्यास है, होता यही है। तो आप 100 का लेके चलो पूरे में से पूरे का, तब जाके आपके 75% बन पाएगी आपके एंट्रेंस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पर जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ऑलमोस्ट सभी का आंसर आपको आने चाहिए, क्योंकि आप 11th और 12th पढ़ चुके हो ऑलरेडी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको ये प्रॉब्लम आ रही होगी। और हम तो तैयार भी है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो, आईपीसी नाम नहीं आ रहा हो, फॉर्मूला लिखना नहीं आ रहा हो, तो बता दिया करो कमेंट बॉक्स में, आपका अपना चैनल है। अब आप बोलेंगे सर कमेंट का रिप्लाई तो आता ही नहीं, आता ही क्यों नहीं आता, जैसे हम फ्री होते तो आपका रिप्लाई अवश्य देते, ठीक है। आप कमेंट कर दिया करो, जैसे हम फ्री होंगे तो आपका रिप्लाई अवश्य देंगे, फेसबुक पे कर दिया करो, इंस्टाग्राम पे कर दिया करो। प्रोटीन का एक उदाहरण है, सिंपल सी बात है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंसुलिन। नेक्स्ट जीवित कोशिकाओं में सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है ADP, TTP, ATP या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ATP, ठीक है। तो जीवित कोशिकाओं में सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत कौन है, ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन ही सारे इंपॉर्टेंट है गाइस, सारे इंपॉर्टेंट, और हम तो रोजाना वीडियो अपलोड करते, कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो जाके देख लेना चैनल पे। इन ए केमिकल रिएक्शन एट 300 केल्विन टेम्परेचर, डेल्टा एच 150 kg एंड डेल्टा एच 100 जूल इनवर्स। तो रासायनिक अभिक्रिया में यदि 300 केल्विन तापमान पर डेल्टा जी 150 kg है एंड डेल्टा एच 100, तो डेल्टा जी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 300, 120, 333 या फिर 200। सो आपने टिक लगा दिया होगा वैसे बेसिकली, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 120, ठीक है, किलो जूल ऑप्शन सेकंड।
अगला है आपका प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड द्वारा तनु H2SO4 का विद्युतीय अपग्रहण करने पर कैथोड पर प्राप्त होता है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन कैथोड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डायलेट H2SO4 यूजिंग प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड SO2O2H2NH3। आई होप आपने टिक लगा दिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा H2। जिन्होंने H2 पे लगाया बहुत बहुत धन्यवाद उन स्टूडेंट को, बहुत ही गौरवान्वित में, और उनको गर्व होना चाहिए कि आप सही टिक लगा पा रहे हो। और जो नहीं लगा पा रहे उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको यही वीडियो और हमारे सारे चैनल पर जितने वीडियो है 2 से 3 बार देख लें, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक काला सल्फाइड जब ओजोन के साथ क्रिया करता है तो सफ़ेद हो जाता है, सफ़ेद यौगिक है। ए ब्लैक सल्फाइड वेन रैक्ट विथ ओजोन बेकम वाइट, द वाइट कंपाउंड इज। तो एक काला सल्फाइड जब ओजोन के साथ क्रिया करता है तो सफ़ेद हो जाता है, यह यौगिक है। BASO4, PBSO4, ZnSO4 या फिर CASO4। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपने टिक भी लगा दिया होगा वैसे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका PBSO4। ईमानदारी से बताना है आपको किसने सही से लगाया PBSO4 पे। जिन्होंने लगाया बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं लगाया तो हमारे चैनल पे सारे वीडियो है, उनको आपको देखना होगा। अब आप बोलेंगे सर कैसे देखें, तो सिंपल सी बात है, नीचे जेकलोन जॉब लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे ना आप जेकलोन जॉब पे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। क्लिक करते ही जैसे आपने नीचे क्लिक किया लोगो पे, तो इस प्रकार का पेज ओपन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर आपको वीडियो के सेक्शन पर चले जाना है। अभी तो बहुत सारी जानकारी मैं आपको बताऊँगा, तो ये देख पा रहे होंगे सारे जितने भी रोजाना हम आपको रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में बॉटनी, जूलॉजी, सारे यहाँ आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये देखिए सारे सारे के सारे। अब किसी दिन आपने कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप देख सकते हो, लिस्ट आपके सामने है, ये लिस्ट आपके सामने है। आपको लगता है कि कोई सा भी वीडियो हमने मिस कर रखा है तो आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हो, ये सारी डिटेल आपके सामने ओपन हो चुकी है। अब आपको लगता है कि कोई वीडियो मिस कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्लिक करके देख सकते हो, आपका अपना चैनल है, ठीक है। ये पूरी सीरीज आपके सामने ओपन है, ठीक है। और एक दूसरा चैनल है, उसका तो आपको पता ही है, GKMSQM के चैनल, सो उसको भी इस प्रकार से आप फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमको भी फॉलो कर सकते हो, सब के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। ओके, धन्यवाद।